हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है। इस रात चांद पूरी तरह चमचमाता है, यानी कि चांद 16 कलाओं से पूर्ण भी रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे धरती पर अमृत की वर्षा भी करती हैं। कहा जाता है इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि कब है शरद पूर्णिमा, क्या है शुभ मुहूर्त और मान्यता। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि शरद पूर्णिमा इस वर्ष 16 अक्टूबर को है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है इस रात्रि चंद्रमा पूरी तरह से चमकता है और इस दिन चंद्रमा की किरणें सीधे धरती पर अमृत की वर्षा भी करती हैं। इस रात खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है। कहा जाता है इसमें सात्विक में अमृत मिल जाएगा। इस अमृत युक्त दूध का सेवन करने से जीवन की सभी समस्या दूर होती है, साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।